उधर मेरठ में दिव्यांगों ने सपा के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज दर्जनों दिव्यांगों ने कमिश्नरी चौराहे पर कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का पुतला फूंका और सीएम अखिलेश यादव से मंत्री को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल दिव्यांगों ने कल भी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे शाहिद मंजूर के घर जमकर हंगामा किया था। दिव्यांगों का आरोप था कि वो सीएम अखिलेश यादव के नाम अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन लेकर पहुंचे थे, जहां मंत्री ने समर्थकों के साथ दिव्यांगों के साथ बदसलूकी कर दी और फिर उनको थाना दिल्ली गेट पुलिस को सौंप दिया। मारपीट करने के साथ ही पुलिस से शोषण करवाने का भी आरोप लगाते हुए सभी दिव्यांगों ने मंत्री के दिल्ली रोड स्थित उनके आवास को घेराव किया।